This video is sponsored by JLCPCB.com. So JLCPCB is the world largest manufacturer of PCBs in China. So if you want to make high quality professional PCBs from China, visit JLCPCB.com. Link in the description. Assalamualaikum everyone, this is me Syed Maz Gilani और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Maz Electronics। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बहुत ही कमाल का सर्किट आप सब दोस्तों के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। आप सब दोस्तों को बताया कि स्टेपर्स मोटर जो है आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रही है और स्टेपर मोटर खास तौर पर CNC मशीन वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन ये मोटर क्यों ना हम किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकें, लेकिन इस मोटरों को चलाने के लिए आपको एक स्पेशल सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो है 6 पिन या 4 पिन में जो है आती है मोटरें, और इसके लिए जो है 3 फेज या 2 फेज या फिर जो है स्पेशल सर्किट बनाना पड़ता है जिसके ऊपर ये स्टेपर मोटर चलती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही कमाल का सर्किट बना के दिखाने वाला हूँ, जिसके जरिए आप किसी भी स्टेपर मोटर को इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आर्डिनो बेसिस माइक्रो कंट्रोलर इसके ऊपर लगाया गया है, LCD लगी हुई जिसके ऊपर आपको स्टेपर मोटर की स्पीड, उसकी रोटेशन सब चीज़ें पता चलेंगी, किस तरह जो है आप सर्किट को बना सकते हैं, इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर आज की PCB जो है हमें भेजी है जी JLCPCB ने, आपको बताया कि JLCPCB वाहिद एक ऐसी कंपनी है जो कि टॉप क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाती है, और JLCPCB से ही आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स या अच्छी क्वालिटी की PCBs जो है बनवा सकते हैं। तो JLCPCB का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चाहे अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन देकर आप अपने लिए कोई भी PCB बनवा सकते हैं। तो अब टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपने सर्किट को बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई विल शो यू हाउ टू ऑर्डर PCBs फ्रॉम JLCPCB's वेबसाइट। दिस इज JLCPCB वेबसाइट। यू कैन ऑर्डर एनी काइंड ऑफ PCB फ्रॉम JLCPCB। यू कैन ऑल्सो यूज JLCPCB सर्विसेज लाइक PCB असेंबली, 3D प्रिंटिंग एंड SMT स्टेंसिल सर्विसेज फ्रॉम JLCPCB's, एंड यू कैन ऑल्सो एड जर्बर फायर ऑन योर JLCPCB वेबसाइट, एंड यू कैन चेंज यूर पैरामीटर्स ऑफ यूर PCB अकॉर्डिंग टू यूर नीड एंड इट्स क्वान्टिटी, कलर, PCB कलर एंड इट्स शिपिंग मैथड। Like if you need low budget shipping, you can change according to your budget, and you can order it from JLCPCBs and submit your order by say click on save to cart। तो लीजिए जी, एक हफ्ते बाद ही मुझे PCBs रिसीव हो जाती हैं JLCPCB से। अब जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं किस तरह की हमारी PCBs आई हैं। तो मैं इसको जल्दी से जो है अनपैक कर लेता हूं और फिर हम क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आई हैं जी येलो कलर में, बहुत खूबसूरत PCB लग रही हैं और बहुत ही कमाल की शानदार PCBs हैं। और JLCPCB जो है वाकई कमाल की प्रोडक्ट बनाती है, बहुत ही मजबूत है, इसको मैं जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लूँ और नहीं टूटने वाली। और आप देख सकते हैं ये फाइबर की बनी होती है, इसलिए आप जितना मर्जी जोर लगा ली टूट नहीं सकती। पाकिस्तान में जो PCB बनती है उससे टॉप क्वालिटी PCBs है, ये चाइना से जो बन के आती हैं JLCPCB। उसके बाद हमारा लोगो वगैरह देख सकते हैं, JLCPCB का लोगो देख सकते हैं, बहुत ही कमाल के है। सोल्डरिंग मास्क, SMD कंपोनेंट्स हो चाहे डिप कंपोनेंट्स हो, सब इसके ऊपर आप आसानी से कर सकते हैं सोल्डर। तो अब सोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले जो है फीमेल हेडर्स लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने आर्डिनो नैनो माइक्रो कंट्रोलर लगाना है, तो उसके लिए हमें एक जो है फीमेल हेडर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम जो है कुछ रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, जो हमारे PCB पे नंबर बने हुए सेम रेजिस्टेंस के नंबर हम लगा देंगे। उसके बाद हमने राइट और लेफ्ट और स्टॉप के लिए बटन लगाना है स्पेशल, और एक पोटेंशियोमीटर लगाना है 10K का, साथ में जो है मोटर ड्राइवर कंट्रोलर लगाना है इसके ऊपर, ताकि हम मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्टेपर मोटर को। स्टेपर मोटर की 4 वायर होती हैं, तो ये ड्राइवर के जरिए आप 4 वायर वाली मोटर आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो है इसके साथ 7805 5 वोल्ट रेगुलेटर भी जो है SMD की जगह यूज़ करना है, और उसके बाद अच्छी तरह इसको सोल्डरिंग कर देनी है। उसके बाद हमने LCD के लिए भी फीमेल हेडर और 12 वोल्ट जैक भी लगा देना है। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं PCB हमारी तकरीबन 100% रेडी है। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारा जो है सर्किट तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा मैंने जिस तरह इसके साथ सारे कंपोनेंट्स फिट किए हैं, सारे कर दिए हैं। यहाँ पर बटन लग चुका है जिसे आप राइट लेफ्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले के तौर पर आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी। एक माइक्रो कंट्रोलर जो है हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है, जो कि आर्डिनो नैनो है, जिसके ज़रिए सारी प्रोग्रामिंग जो है इसके साथ ही काम करेगी। साथ हमने मोटर ड्राइवर लगाया हुआ है मॉड्यूल, जिसके ज़रिए आप जो है मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इस जो है दोस्तों कंट्रोलर के साथ कोई भी 2 फेज की स्टेपर मोटर जो है आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आउटपुट पिन में दिख रही होंगी,
इस आउटपुट पिन से जो है आप बहुत आसानी से किसी भी मोटर को अटैच कर सकते हैं। तो अब जल्दी से इसको हम पावर ऑन करते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं कि आया हमारा ये वाला सर्किट से काम कर रहा है या नहीं। बारी आ चुकी है इसको टेस्ट करने की। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मोटर चाहिए होगी। इस मोटर के ऊपर हम थोड़ा सा जो है टेप लगा लेते हैं ताकि जब ये रोटेट कर रही हो हमें हमारी मोटर के बारे में पता चले कि सही रोटेशन हो रही है या नहीं। और साथ हमें एक वायर की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए हमने इसको अटैच कर लेना है अपने सर्किट के साथ। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पर एक ग्रिप को लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं मोटर अटैच हो चुकी है और साथ में दूसरा ग्रिप मैं इसके जो है कंट्रोलर में लगा लेता हूँ। इसको आप जो है 12 वोल्ट देकर भी चला सकते हैं और आप बैटरी पर भी चला सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर चला सकते हैं। यानी कि कोई स्पेशल प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर आपको मोटर चलानी नहीं होती अपने हिसाब से, तो उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 12 वोल्ट बैटरी के साथ मैं इसको अटैच करके अब इसको पावर ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नाम लिखा आता है। मैं आपको दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ऑन होता है तो यहाँ पर लिखा था सब्सक्राइब माज इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब तो सब्सक्राइब बनता है यार, अब तो सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड आ चुकी है, जिससे इस पोटेंशियोमीटर से आप अपनी कोई भी स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद स्टॉप और स्टार्ट बटन से आप इसको राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो ये भी मैं अब आपको चेक करवाता हूँ। तो अपनी मोटर को हम चलाकर चेक करते हैं। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, उसके बाद इसकी स्पीड पहले हम स्लो कर लेते हैं। इसको मैं 1% या 2% पर ले आता हूँ और उसको राइड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी स्लो मोटर चल रही है, बिल्कुल लो स्पीड की हुई है फिर भी मोटर हमारी स्लो चल रही है। मैं आज तक जैसे स्पीड बढ़ाऊँगा आप देखेंगे कि मोटर तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मोटर बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है। अभी जो है ये चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, अभी हम इसको क्लॉकवाइज कर लेते हैं। ये हो चुकी है वापस क्लॉकवाइज और अभी भी मोटर बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है और इसको मैं जितनी स्पीड चाहूँ इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से ये काम कर रही है। दोबारा आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इस सर्किट के ज़रिए आप इसको यहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये सर्किट बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसके ज़रिए आप किसी भी स्टेपर मोटर को छोटी बड़ी को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कोई प्रोजेक्ट है, स्लाइडर वगैरह बनाना चाहते हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें आपको मोटर की स्टेपर मोटर की पावर ज़्यादा चाहिए और स्पीड कम चाहिए, उसके अंदर इस तरह के सर्किट को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इस सर्किट के ऊपर। अगर आप इस सर्किट को बनाना चाहते हैं, इसकी पीसीबी बनवाना चाहते हैं, जीएलसी पीसीबी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से चाहे इसको बनवा सकते हैं। और जीएलसी पीसीबी पाकिस्तान में जो है वाहिद ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में भी डिलीवर करती है बल्कि पूरे वर्ल्ड में डिलीवर करती है पीसीबीज, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जीएलसी पीसीबी, जो कि हाई क्वालिटी पीसीबीज बनाती है कम बजट में। तो आप जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी बढ़ाते जाएंगे पीसीबी की उतना रेट कम होता जाएगा, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर विजिट कर लेना। और अगर आप में से किसी को पीसीबी चाहिए मैं वैसे ही फ्री दे दूंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी होती है, तो मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर लेगा, लेकिन जाते जाते जो है एक दफा लिंक को जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।